हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी चटनी। आपने ऐसी चटनी कभी नहीं खाई होगी, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ले लिए मैंने किशमिश। आप किशमिश को 2 घंटे पहले या 2 से 3 घंटे पहले आप पानी में भिगो के रख दें, तो इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले ले लिया मैंने जार यानी मिक्सी जार। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे किशमिश। तो ये मैंने 1 कटोरी ली थी। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर पुदीने के पत्ते, ये मैंने धो के और काट के रखे हुए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, यानी आधा आधा कप आपको ये दोनों चीज़ लेनी है, आधा कप पुदीना और आधा कप हरा धनिया। ये भी मैंने धो के कट कर लिया है। इसके डंठल पतले थे तो इसलिए मैंने ये थोड़े से डंठल भी ले लिए, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डालनी है आमी। तो इस तरीके से ये मैंने 2 में कट करके रखी हुई थी, यानी कि आधी आम भी है वो लिए मैंने। फिर उसके बाद हमें डालनी है हरी मिर्ची। तो ये मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची ली है और इस तरीके से छोटे छोटे शेप में कट कर लिए। फिर उसके बाद हमें डालना है लहसुन। तो ये मैंने 8 से 10 कलियाँ ली है लहसुन की। फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर अदरक। तो अदरक का टुकड़ा मैंने 1 इंच लिया है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये ब्रेड के स्लाइस। तो इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है वो हमें कट कर लेना है और ये स्लाइस ले लेने हैं। तो ये मैंने 2 लिए। आप वाइट या ब्राउन ब्रेड कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने ब्राउन ब्रेड लिए। फिर उसके बाद डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आधी छोटी चम्मच वाइट वाला नमक लिया है और 1/4 चम्मच मैंने काला वाला नमक लिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी और इसको हम ढक के अब अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये ले लिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल मैंने 1 चम्मच लिया है और इसको पहले से ही प्रीहीट कर लिया है। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून जीरा और इसको अच्छी तरीके से क्रैकल होने देंगे। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सौंफ। इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से क्रैकल होने देना है। तो सौंफ और जीरा हमारा अच्छी तरीके से क्रैकल हो चुका है और एक भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लगी है इसके अंदर से। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची और इसको भी अच्छी तरीके से इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। तो मिर्ची भी हमारी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है और पक भी चुकी है। तब इसके बाद हम डाल देंगे चटनी जो हमने बनाकर तैयार करी हुई थी और इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी चटनी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है और ये बनकर तैयार है। तो अब मैं करूँगी इसको सर्व। तो हमारी टेस्टी यमी अंगूर की चटनी बनकर तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।